आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जय भीम जय भारत साथियों, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ और आपको लेकर चलता हूं मैं। क्या आदम गौडवी साहब हमें लेकर चलते हैं। भारत देश जो है वो जातियों का देश है, जाति जो कभी नहीं जाती, तो इस पर हमारे कवि आदम गौडवी साहब क्या कहते हैं। आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मनोलीशा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई, कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। ये सही थे यही सावन के दिन, हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे के बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि भेड़िए बैठे हैं घात में, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी की बाहों में, चीख निकली तो होठों से घुट कर रह गई, झटपटाई पहले फिर ढीली सी फिर ढह गई, दिन तो सरजू के कछारों में था कल का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई कृष्णा थी पिता की गोद में, जुड़ गई थी भीड़ उससे जोर था सैलाब था, जो भी था सामने सुनने के लिए बेताब था, बट के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछा तो बेटी से आखिरी वो दरिंदा कौन है, कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं, कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहु बेटियों से मुंह काला करें। बोला कृष्णान से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच गई सकता है बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिरोध से, पड़ गई उसकी भनक ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दल्लान में, दृष्टि जिसकी जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह के बोले हैं खैनी ठोक कर, क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे थे रुतवा पा गया, कहती है सरकार के आपस मिले जुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो, देखिए ना ये जो कृष्ण हैं चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ, जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ ने पट्ठे पे रखने देती मगरूर है, भेजता भी नहीं ससुराल उसको हर खुआ, पर कोई बाहों में उसको भींच ले गया तो क्या हुआ, आज सरयू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी पा गई, वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना हर मर्दूद इन बातों से कहने से रही, जानते हैं आप मंगल भी एक मक्कार है, हर खू उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है, कल सुबह गर्दन पर नपती है बाप बेटे की, गांव की गलियों में इज्जत रहेगी आपकी, बात का लहजा था ऐसा ताप सबको आ गया, हाथ मूछों पर था माहौल भी सन्ना गया, क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था, रात जो आया था वो तूफान पुरजोर था, भोर होते ही यहाँ दृश्य बिल्कुल कुछ और था, फिर से टोपी बैंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन सिपाही ठाकुरों के साथ में, घेर बस्ती कहा हल्के में नाले थानेदार ने,
जिस मंगल का नाम जिसका नाम जिसका मंगल नाम है वह व्यक्ति सामने आए सामने निकल पड़ा। झोंपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर एक सिपाही ने तभी लाठी दौड़ाकर गिर पड़ा। मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा था माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा फिर एक लाठी पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोंपड़ी के द्वार पर, ठाकरों ने फिर दरोगा से कहा ललकार कर मुंह तेरा, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ इसकी झोंपड़ी को और फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी में वहाँ चलने लगी, बेसहारा निर्बल की झोंपड़ियाँ जलने लगी। दूध मुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहाँ खड़े में था, वह अभागा दिन हिंसक भीड़ में घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश खोने लगे, कुछ तो मन ही मन खाकर तो कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूं कहीं और जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झूलते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इन डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकरों से जो भी टकराएगा मारा जाएगा। इन सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गों की तरह मत बांध दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्राण के मंत्री गणों के केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। आइए मेरे गांव में, तट नदी तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छाँव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही है, यह हिंसा की जहाँ पर नत उतारी जा रही है। हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितना कृष्णा दो रोटी के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।